दीदी से एक नारा सुना था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आपके आने से औरंगाबाद रेलवे के अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसी उम्मीद हमें लगी है। एक बात ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत देर से घर पे आग लगी थी हुजूर, आते आते बहुत देर कर दी। कई सालों से यहाँ के रेलवे के नेटवर्क के बारे में बहुत सारी मांगे थी और ये दुर्भाग्यवश है, और इसके लिए कोई भी इस बात को डिनाई नहीं करेगा, भले ही आज करार साहब, दानवे साहब यहाँ पर है, मौजूद है, हम सब साथ में मिलकर काम करते हैं। लेकिन मराठवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हमेशा से ही एक टैग लगा हुआ है कि ये पिछड़ा इलाका है, लेकिन अगर यहाँ की अगर आप शक्ति देखेंगे, अगर आप एक इंडस्ट्रियल एरिया का पोटेंशियल अगर यहाँ पर देखेंगे, टूरिज्म के मामले में वैष्णो साहब पूरी दुनिया के अंदर दो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स अगर कहीं पर है तो वह हमारे इस इलाके के अंदर है, अजंता और एलोरा। इसके बावजूद भी यहाँ पर रेलवे का नेटवर्क नहीं होने की वजह से ये क्षेत्र डेवलप नहीं हो सका है। आज हम एयर कनेक्टिविटी, मुझे इस बात का यकीन है और पूरा देश ये जानता है कि पत्र प्रधान जी ने जब अपने पोर्टफोलियो को बांटा तो सबसे होशियार जो मंत्री थे उनको तीन इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए हैं, उसमें एक मंत्री आप है जिसको आईटी का भी दिया गया, कम्युनिकेशन का भी दिया गया और रेलवे का भी दिया गया है। हम आपके जरिए हमारे दोनों क्षेत्रों को हम डेवलप करना चाहते हैं, एक तो रेलवे का नेटवर्क यहाँ से डेवलप करना चाहते हैं और दूसरा उसी रेलवे के जरिए हम आईटी क्षेत्र को यहाँ पर बढ़ावा देना चाहते हैं। पुणे और मुंबई से आप देखेंगे तो कई सारी ऐसी ट्रेन है जो ढाई घंटे के अंदर, अगर वही औरंगाबाद और पुणे जैसे शहर को अगर हम जोड़ते हैं, उत्तर भारत के साथ अगर जोड़ते हैं, तो इसका फायदा जो है वो कितने ऐसे टूरिज्म सेक्टर के ऊपर भी पड़ सकता है। टूरिस्ट आएंगे तो हमारा शहर ग्रो करेगा, इंडस्ट्री आएगी तो शहर ग्रो करेगा। तो उम्मीदें आपसे बहुत सारी है, आप जब से आए हैं आपने देखे हैं कि कितने सारे लोग आपको निवेदन दे रहे हैं करके। हम भी मानते हैं कि एक साथ पूरे मुकम्मल करना आपके लिए भी मुमकिन नहीं है, किसी के लिए भी, लेकिन इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि देश का पैसा जिनके हाथ में है वो आपके दाएं तरफ बैठे हैं, करार साहब फाइनेंस मिनिस्टर है और रेलवे मिनिस्टर हमारे अपने ही भाई है दानवे साहब। तो अगर दोनों ने अगर आपके पीछे लगे और पूरी ताकत हम सब मिलकर लगाएंगे, राजनीतिक अपनी अपने पार्टियों के तरफ से होंगे, हम अलग अलग राजनीतिक क्षेत्रों से होंगे, लेकिन औरंगाबाद और मराठवाड़ा के विकास के लिए हम पूरी ताकत के साथ, हम दानवे साहब के पीछे भी खड़े हैं, हम करार साहब के पीछे भी खड़े हैं और आपसे उम्मीद लगाए के बैठे हैं वैष्णो साहब कि आप हमारी मांगे पूरी करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, एक बात जो हम बार बार देखने को मिलती है, जो सुनने को मिलती है हमें कि रेट ऑफ रिटर्न नहीं आ रहा है, यहाँ का जो रिटर्न आना चाहिए आप सर्वे करवा देते हैं और ये हमको एक लाइन की रिपोर्ट आ जाती है कि इस क्षेत्र के अंदर हमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हमको रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगा। हमारा ये कहना है अगर जब तक इस पिछड़े क्षेत्र को आप आगे नहीं लेकर आएंगे, मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं लेकर आएंगे और उसको इस हिसाब से कहेंगे कि नहीं हमको फायदा नहीं मिल रहा है, हमको रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये कहना है कि आप रेट ऑफ रिटर्न को दरकिनार करते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़िएगा। हम पूरे लोग जितने भी है हम आपसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं और कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं मैं जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं भूल जाइए कौन कहाँ से आ रहा है, किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रख रहा है। अगर वैष्णो साहब से कुछ चाहते हैं तो जोरदार तालियां बजाइए और अपनी मांग करिएगा। धन्यवाद सर।